दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों की सीरीज चल हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आप हरियाणा में या पूरे देश के अंदर कहीं से भी बीएड कर रहे हो, उसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस कुछ क्वेश्चन अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के बच्चों का जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके लिए हम लोग बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो गाइस, पहला इसका जो क्वेश्चन है, पेपर कौन सा रहेगा देख लीजिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एग्जाम होगा आपका, ये एग्जाम होगा आपका टोटल 40 मार्क्स का। कितने का होगा गाइस? आपका टोटल 40 मार्क्स का। और इसका जो टाइम टेबल रहेगा वो आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए नियर अबाउट 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए। तो गाइज, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम एक बार देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से गाइज, कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लास लर्निंग, यानी जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो एक फंक्शन होता है क्लास के अंदर, क्लास लर्निंग में, वो क्या है, उसके लिए क्या है आपको एक शॉर्ट नोट क्या है लिखना है, यानी कि भाषा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भाषा का अपना क्या फंक्शन होता है, उसकी जो क्लास में लर्निंग होती है तो लैंग्वेज का कितना इंपैक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड क्या एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है। अगला है गाइस, देख लेंगे सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या है, जो चीज को हम लोग स्कैन करते हैं जैसे स्कैनर के लिए, तो यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, तो यहां पर मेल वाला स्कैनिंग नहीं है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कैनिंग होता है उसकी हम लोग क्या बात करें। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, ये भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सेकेंड ईयर के बच्चे जरूर इस पर फोकस करें। अगला फर्स्ट यूनिट के अंदर हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फर्स्ट यूनिट के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों को आएगा वो देखेंगे क्या, डिस्क्राइब द मीनिंग नीड बेनिफिट ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यानी कि अब सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन सा है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, तो उसी के लिए क्या पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नीड, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है और इसका फायदा क्या है, किसका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब गाइज, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, टीचर के लिए। अब यहां पर देखिए, लैंग्वेज का मतलब क्या, भाषा, ठीक है, अक्रॉस द करिकुलम यानी जो वो बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है तो उसकी जो शैली होती है, उसकी जो एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक जो सोफिस्टिकेटनेस होती है वो क्या है, टीचर के अंदर झलकनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर बातचीत की गई है कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो एक मेन मकसद क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। यह आपसे क्या है 16 नंबर में क्वेश्चन क्या गाइस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं, वो आप और देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअलिज्म, डिस्क्राइब मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए सोर्स एंड इट्स स्ट्रेटजी। अब ये वाला भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज और इसकी स्ट्रेटजी। ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक्स के अंदर पढ़ लेना। हर प्रकार का जो एग्जाम होता है बीएड का, उसमें एग्जामिनर जो मल्टी लिंग्वलिज्म का जो एक क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ये आपका 16 नंबर में एग्जामिनर या फिर छोटे क्वेश्चन में आपसे क्या है पूछ सकता है। तो गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिट सेकंड से एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन द स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो एक टीचर की भाषा शैली होनी चाहिए उसका क्या है, राइट ए डिटेल ऑन नोट एंड स्ट्रेटजी, यानी कि टीचर की जो लैंग्वेज की टोन है और उसकी स्ट्रेटजी है, उसको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उसकी क्या चीजें होनी चाहिए, इसके लिए एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा इलेबोरेशन कीजिए। और ये आप लोगों के लिए पूछना बहुत जरूरी है। तो गाइस, अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आना बहुत जरूरी है,
वो आप देख लीजिए क्या है। छोटा छोटा सा ही क्वेश्चन है, मतलब छोटा ही पेपर होता है, ज्यादा बड़ा जो है आपका क्वेश्चन नहीं होता है। वो आप देख लीजिए एक बार, क्या पूछ रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग स्किल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर काफी तीन चार क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो पूछ रहा है कि रीडिंग स्किल क्या होती है, यानी कि जो रीडिंग यानी पढ़ने की जो एक स्किल है वो क्या है। अगला है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, और जो रीडिंग स्किल की जो इंपॉर्टेंस है उसकी एक इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, वो क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। देखिए जिस हिसाब से अभी बच्चों की रीडिंग स्किल नहीं है, मतलब बच्चे ज्यादा बुक्स के नहीं पढ़ते। देखिए क्या होता है कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट दो प्रकार के स्टूडेंट अमूमन हमारे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि उनकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। रीडिंग पावर का मतलब क्या है कि वो कोई चीज पढ़ते हैं और उनकी रीडिंग अच्छी तरह से वो रीडिंग कर लेते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं रीडिंग अच्छी नहीं कर पाते, वो कॉन्सेप्ट को क्या समझ लेते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है कि जो रीडिंग की जो एक डेवलप है उसको टीचर कैसे कर सकता है, और स्कूल के अंदर जो टीचर के हाथ में क्या होता है। कहते हैं ना कि भाई कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी टीचर है, कि बच्चों की रीडिंग की जो कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे यही सवाल पूछ सकता है कि भाई इसका टीचर इसको कैसे डेवलप कर सकता है, और टीचर के लाइफ के अंदर जो रीडिंग पावर को बढ़ाना क्यों जरूरी है, और वो स्टूडेंट के लिए भी क्यों जरूरी है। तो एग्जामिनर इस प्रकार के घुमा फिरा के क्या गाइस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटा सा ये पेपर होगा अक्रॉस द करिकुलम, 40 नंबर का मात्र का आपका एक क्वेश्चन है, दो या तीन यूनिट दी जाएंगी, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें घबराना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस एग्जाम के अंदर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम लेती है, तो 1.5 घंटा 30 मिनट का वक्त क्या है गाइस आपको दिया जाएगा, और इसी के अंदर क्या है ये जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करके दिखाने हैं। तो गाइज होप करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।